वहीं ग्वालियर जिले में कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ फूलबाग चौराहे पर धरना दिया। अपने इस धरने को आमजन का संवाद बताते हुए कांग्रेस ने कहा कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सत्तारूढ़ दल का होता है, लेकिन केंद्र की सरकार अलग राह पर चल रही है। इसके साथ ही कांग्रेस कमेटी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी है, उसके खाते फ्रीज करने से कुछ नहीं हासिल होगा, इसलिए सरकार इस मुगालते में नहीं रहे कि उसे 400 सीटें मिल रही हैं। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। जिस तरह से आज केंद्र सरकार द्वारा हमारे कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को फ्रीज किया गया है और ऐसे समय में किया गया है जब इस भारत के लोकतंत्र को जिंदा रखने वाला जो महत्वपूर्ण चुनाव है, और चुनाव के दौरान किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के अकाउंट को फ्रीज करना, ये कहां तक न्याय उचित है।